हेलो वेलकम, इट्स अ रैंडम गर्ल कनेक्टिंग विद यू। तो कैसे हैं आप लोग? तो जैसा मैंने आपको बताया है, एक ड्रेस है जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है, बहुत ज़्यादा पसंद आ गई। जब से मैंने उस ड्रेस को देखा है, मेरा मन कर रहा है मैं वो ड्रेस बना कर देखूँ, उसे ज़रूर ट्राई करूँ। पर पहले मेरे पास कोई कारण नहीं था कि वो ड्रेस मैं क्यों बनाऊँ, उस पर पैसे लगाऊँ, पर मुझे बनाने का बहुत मन है। इस ड्रेस को बनाने का क्या कारण ढूंढूं मैं? पर अब मुझे एक ऐसा कारण मिल गया है जिसके लिए मैं वो ड्रेस तैयार कर सकती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए आपको बताती हूँ कुछ और उस ड्रेस के बारे में कि वो ड्रेस कौन सी है। आपको पता ही होगा, कुछ दिनों पहले मेट गाला 2021 हुआ है, जिसमें एक बहुत ही सुंदर रेड ड्रेस जो कि कार्ली क्लॉस ने पहनी है, वो रोज़ इंस्पायर्ड ड्रेस मुझे इतनी ज़्यादा पसंद आ गई है कि मैं उसे एक बार बनाकर ट्राई करना चाहती हूँ। पहले मेरे पास कोई कारण नहीं था कि मैं किस लिए करूँ, पर अब मेरे पास कारण है। वो कारण यह है कि अब मेरी फ्रेंड की शादी है और मुझे उसे गिफ्ट देना है, तो मैं सोच रही हूँ क्यों ना वो ड्रेस बनाकर ही उसे गिफ्ट कर दूँ। एक वो ड्रेस बनाने का मुझे कारण मिल जाएगा, दूसरा वो ड्रेस मैं ट्राई कर लूँगी, उसे पहनाकर कर खुद को सेटिस्फाई भी कर लूँगी कि हाँ मैंने कुछ बना लिया है। तो मैं आपको दिखा दूँ जो फैब्रिक मैं यूज करने वाली हूँ, वो है ये फैब्रिक है, ये काइंड ऑफ सिल्क फैब्रिक है, रेड कलर का है, क्योंकि वो ड्रेस रेड कलर की है। ये टमाटो रेड कलर है, शायद आपको दिखाई ना दे रहा हो, पर जब ड्रेस बन के तैयार हो जाएगी तो आपको दिखाई देगी। और ये वो मटेरियल है जो मैं यूज़ करने वाली हूँ, इसमें जिपर वगैरह हैं और वायर है जिससे फ्रिल बनाऊँगी, जिसे रोज़ लुक आएगा और ये कार्ली क्रॉस की ड्रेस रेप्लिका ड्रेस बन जाएगी। उम्मीद तो मैं यही करती हूँ कि बन जाएगी। तो मैंने कुछ तो ये बना लिया है, इसमें बाजू वगैरह लगानी है और मैंने फ्रिल्स काट लिए हैं, इसे भी मैं जोड़ रही हूँ, बना रही हूँ, देखते हैं अब क्या बनता है। कुछ ना कुछ तो सिलाई कर ली है और कुछ रह रही है, देखते हैं 2 दिन में आगे क्या होता है क्या नहीं। अब इसके आगे क्या बनने वाला है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या करूं? कस्टमाइजेशन करके ना बड़ी बुरी हालत हो जाती है हर चीज़ की। ये कस्टमाइजेशन गले पे भी कस्टमाइजेशन, लंबाई में भी कस्टमाइजेशन किया है, प्रॉपर इंडियन लुकिंग ड्रेस बना दिया मैंने, देखो क्या बनता है। कोशिश तो पूरी है, कुछ तो दिखे ऐसे जैसी मेन ड्रेस थी। चलो देखते हैं। ऐसा रैंडम गर्ल, ये बहुत बड़ी बात है कि हम कोई ऐसा पैटर्न, कोई ऐसा डिज़ाइन अटेम्प्ट करें जो मेट गाला में फीचर हुआ हो, मेट गाला में अराइव हुआ हो, और उसे इतनी जल्दी बनाकर तैयार करना, तो जल्दी का काम शैतान का टाइप काम हो गया ना। एक ऐसे पैटर्न, एक ऐसे डिज़ाइन को अटेम्प्ट करना जो मेट गाला जैसे बहुत बड़े इवेंट में अराइव हुआ हो, यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ये बहुत हिम्मत का काम है इसे अटेम्प्ट करना भी। बना के तैयार कर देना तो है ही अपने आप में बहुत बड़ी कला, लेकिन इसे अटेम्प्ट करना ही अपने आप में बहुत हिम्मत का काम है। और आपको भी पता है ऐसी बातें कब होती हैं, ऐसी बातें तब होती है जब हमारे पास कोई और बहाना रह नहीं जाता खुद को बचाने का। मैंने पहले भी कहा था कि मैं एक रैंडम गर्ल हूँ, मैंने ऐसी चीज़ें कभी नहीं बनाई हैं, और मैं सिर्फ आपको अटेम्प्ट करके दिखा रही हूँ कि एक आम लड़की जिसे ज़्यादा स्किल्स नहीं है स्टिचिंग की, वो अगर इस ड्रेस को अटेम्प्ट करेगी तो ये ड्रेस कैसी बन के तैयार होगी। तो मैंने कुछ ना कुछ तैयार कर लिया है, आपको दिखाना चाहती हूँ।
और अब आपके सामने पेश है वो ड्रेस। तो शुरू करते हैं लोअर मोस्ट पार्ट से। तो ये है उसकी ट्रेल जो मैंने बनाई है, बहुत लंबी है, मेरे ख्याल से लगभग 2 मीटर लंबी मैंने बनाई है, थाई हाइट से लोअर हेम तक मैंने ये 2 मीटर तक बनाई है। ये इसकी हिप्स हैं, जब इसमें फिलिंग होगी जैसे इसे पहना जाएगा तो ये टाइट होंगी और इसमें आपको सिलवटें दिखाई देंगी जो उस ड्रेस में हैं मेन। अब बाकी डिटेल तो तभी पता लगेगी जब ये पहन कर देखी जाएगी। और यह है इसका नेक लाइन, और नेक लाइन में मैंने ऐसा किया है, थोड़ा सा कस्टमाइजेशन किया है नेक लाइन में, मैंने थोड़ी सी कस्टमाइजेशन की है, समझ लो प्रॉपर इंडियन ड्रेस जैसा बना दिया इसे, जो मैं करना नहीं चाहती थी, पर एज इसे एक इंडियन गर्ल ही पहनेगी और हम इतने कोई मेट्रो सिटीज़ में रहने वाले हैं नहीं, हम छोटे मोटे शहरों के रहने वाले लोग हैं। तो छोटे शहरों के रहने वाले लोग जैसी ड्रेस पहन सकते हैं, मैक्सिमम अपर लिमिट है ये, मतलब मैक्सिमम जैसी ड्रेस हम पहन सकते हैं वैसी मैंने बनाई है। नेक लाइन डीप नहीं रखा है, जैसा उसमें था वैसा नहीं रखा है, मैंने बंद किया है। और ये कुछ कुछ फ्लावरी पैटर्न इसमें आ गया है, ठीक है। तो आप लोगों ने मेरी ड्रेस देखी है जो मैंने बनाई है, मेरी नहीं है, जिसके लिए भी मैंने बनाई है, मेरी फ्रेंड के लिए आपने देखी, और देखने के लिए धन्यवाद। और अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ मुझे अप्रिशिएट करने के लिए, मुझे मोटिवेट करने के लिए प्लीज़ लाइक करो और शेयर करो। शेयर करोगे तभी इस पर व्यू बढ़ेंगे, और व्यू बढ़ेंगे तभी मुझे थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिलेगा। सब्सक्राइब ज़रूर करना ताकि मैं ऐसी ऐसी ड्रेसेस अटेम्प्ट करूं जो आप लोग चाहते हैं कि कोई इंडियन गर्ल, कोई रैंडम गर्ल जो जिसे ज़्यादा स्किल नहीं है स्टिचिंग की, वो इस ड्रेस को अटेम्प्ट करके दिखाए कि ये कैसी बनेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।